हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की धड़कन हमें पहली बार कब सुनाई देती है, और साथ में ये भी जानेंगे कि बच्चे की धड़कन का जो हार्ट रेट है वो कितना होना चाहिए। अगर बच्चे की धड़कन हमें 6 से 8 वीक्स के बीच ना सुनाई दे तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। बच्चे की हार्ट बीट 6 वीक से 9 वीक के बीच डिटेक्ट की जा सकती है। डिपेंड करता है डॉक्टर आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए कब बुला रहा है। बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं वो आपको 9 वीक में भी बुला सकते हैं, कभी कभी जो डॉक्टर्स हैं वो आपको 12 वीक में भी बुला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर आपका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करता है, जिसमें आप अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या कारण है कि हमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है। तो कभी कभी हम जो हैं डॉक्टर के पास 6 वीक में या फिर 8 वीक में जाते हैं तो जो डॉक्टर है हमारा अल्ट्रासाउंड करता है उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ कारणों से हो सकता है, तो इसी के कारण हम डिफाइन करेंगे। तो जो पहला कारण है, अगर माँ का जो वेट है वो ज़्यादा है तो उस केस में भी 6 वीक में या 7 वीक में हमें बच्चे की हार्ट रेट नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट जो कारण है, जब बच्चा यूट्रस में नहीं प्लेस होता है वो अभी फ्लोपिन ट्यूब में ही होता है, तो उस कारण भी हमें बच्चे की हार्ट रेट नहीं सुनाई देती है। और एक और भी कारण है, जब हमारा ओबिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि हमने इंटरकोर्स कब किया हुआ है। हम समझते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी का 8th वीक चल रहा है, 10th वीक चल रहा है, बट एक्चुअली में वो 4th या 5th वीक ही होता है, तो इस कारण भी हमें बच्चे की जो हार्ट रेट नहीं सुनाई देती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें हमें बच्चे की जो हार्ट रेट है वो नहीं सुनाई देती है। घबराने वाली बात तब है जब हमारे जो फेटल की जो लेंथ है वो 5 mm से अधिक है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई हुई होती है, तो उसमें डॉक्टर आपको बता देगा, डॉक्टर खुद ही कंसर्न करता है, तो वो आपको और टेस्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं आ रही है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे की जो लेंथ है और बच्चे का वेट वो कितना होना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आप अपनी प्रेगनेंसी में अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की हाइट और बच्चे का वेट कितना है। अब हम जानेंगे बच्चे का हार्ट रेट कितना होना चाहिए, यानी जब बच्चा होता है तो लगभग 6 वीक में जो बच्चे का हार्ट रेट है वो लगभग 120 BPM तक होता है। उसके बाद बच्चे का 7th वीक में और 8th वीक में हार्ट रेट जो है थोड़ा बढ़ जाता है, वो लगभग 170 BPM तक भी हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा 9th वीक में आता है तो बच्चे का हार्ट रेट लगभग 190 BPM तक भी हो जाता है, एवरेज जो है वो 175 रहता है। और उसके बाद जब बच्चा 12th वीक में आता है तो उसका जो एवरेज हार्ट रेट होता है वो 150 हो जाता है। इसी के साथ जब बच्चा 12th वीक में उसका जो है एक निश्चित हो जाता है, फिर जो बच्चे का हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो आपका 140 के बीच BPM रहता है, तो 140 पे उसका एवरेज हार्ट रेट रहता है। कभी 120 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, तो जो इसका हार्ट रेट वो 140 एवरेज रहता है, फिर यही आपका चलता रहता है। इस वीडियो में मैंने बच्चे के हार्ट रेट के बारे में बात की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर लें। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।